नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों के पैसे होंगे वापस। नौकरी से निकाले जाएंगे 192 कॉलेज शिक्षक और 162 शिक्षकतर कर्मी। बिहार एसटीईटी का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आज से करें आवेदन। बेगूसराय डायल 112 की टीम ने हासिल किया पहला स्थान। भारतीय कप्तान को लेकर सूर्य कुमार यादव ने बोली बड़ी बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों के पैसे होंगे वापस। इन दिनों बिहार में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को करीब 20.55 करोड़ रुपए वापस लौटाए दिए जाने वाले हैं। बता दें कि राशि विभिन्न बैंकों के सहयोग से पीड़ितों के खाते में भेजे जाएंगे। मालूम हो कि पहल की शुरुआत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1930 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक राज्य में साइबर अपराध से जुड़े कुल 962 मामले दर्ज किए गए हैं। नौकरी से निकाले जाएंगे 192 कॉलेज शिक्षक और 162 शिक्षकतर कर्मी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य के 5 विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के 192 शिक्षक और 162 से अधिक गैर शिक्षकतर कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी कॉलेजों के प्राचार्य को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि इन शिक्षकों की सेवा मुक्त करने की कार्यवाही कर 30 दिन के अंदर उच्च शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 5 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर यह कार्रवाई की जा रही है उनमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। यह सभी वही शिक्षक है जो निरीक्षण के दौरान कॉलेज से बिना बताए अनुपस्थित रहे थे। वहीं जब इन कर्मचारियों को नोटिस दिए गए तो इन लोगों ने नोटिस के जवाब नहीं दिए। इसी को देखते हुए विभाग की ओर से इन पर यह कार्यवाही की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल संसाधनों का हो रहा जीर्णोद्धार। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य में जल संसाधनों के जीर्णोद्धार हेतु जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है ताकि राज्य में पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि इसके अंतर्गत अब तक प्रदेश में 3,869 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। वहीं 3,525 सार्वजनिक कुओं के निकट सोखता का निर्माण किया गया है, जबकि 10,564 सार्वजनिक चापाकलों के निकट सोखता का निर्माण किया गया है। वहीं वर्षा के जल का संचयन करने के लिए नगर निकाय के स्वामित्व वाले भवनों पर 441 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए उत्तर बिहार में बदले जाएंगे तार। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए संचरण क्षमता के विस्तार को लेकर कंपनी की ओर से उत्तर बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में 297 करोड़ 66 लाख खर्च कर 220 केवी के 2 और 132 केवी के 6 संचरण लाइन का नवीकरण व आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सहायता के तहत 50 वर्ष के लिए ब्याज रहित कर्ज राज्य को दिया गया है। इन पैसों को उन्हीं योजनाओं पर खर्च करना है जो 2023-24 में पूर्ण होने वाली चालू या नई योजना है। यही कारण है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा उक्त योजना को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के तहत मंजूरी दी गई है। बेगूसराय डायल 112 की टीम ने हासिल किया पहला स्थान। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपातकालीन स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचाने के मामले में बेगूसराय की डायल 112 की टीम ने बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि बेगूसराय ने औसतन 9.15 मिनट में पीड़ितों तक पहुंचकर सहायता प्रदान करने के मामले में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की मदद के लिए बेगूसराय पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 06243230200 और बेगूसराय पुलिस साइबर सेल व्हाट्सएप नंबर 85400036840 या फिर बेगूसराय पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के नंबर 6287996684 पर कॉल कर मदद लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डायल 112 में और सुधार लाया जा सके इसके लिए समय समय पर डायल 112 में तैनात एसआई पुलिस कर्मियों की कार्यशाला में उन्हें टिप्स दिया जाता है। बिहार एसटीईटी का नोटिफिकेशन हुआ जारी,
आज से कड़े आवेदन। अगर आप भी शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आज से इसके लिए BSEBSTET.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 तक तय की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस आवेदन के अंतर्गत पेपर एक के तहत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य व विशेष विद्यालय अध्यापक के विषयों के शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जाएगी। तो वहीं पेपर दो के तहत हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि व संगीत के विषयों के शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के बीच विरासत सुरंग का काम इस दिन से होगा शुरू। बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमिगत सुरंग जिसका नाम विरासत सुरंग रखा गया है उस पर राज्य सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। मालूम हो कि सुरंग पटना के बेली रोड पर स्थित बिहार संग्रहालय से छज्जू बाग स्थित पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ने का काम करेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस सुरंग का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद आगंतुक एक ही टिकट पर इस सुरंग के माध्यम से दोनों संग्रहालय को देख सकेंगे। बता दें कि यह सुरंग बिल्कुल वातानुकूलित होगी जो आगंतुकों के लिए पर्यावरण अनुकूल, पारगमन सेवा सुगम, सुविधाजनक और बैटरी चालित गोल्फ कार से सुसज्जित होगी। सुरंग में अग्नि सुरक्षा और आगंतुकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी तरह के सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। बता दें कि इसका निर्माण कार्य की शुरुआत दशहरा से पहले की जा सकती है। वाहन चलाते वक्त अब फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा। इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और सख्ती अपनाई जा रही है। इसी के तहत अब बिहार की राजधानी पटना में एक और नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर आप वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मालूम हो कि पटना में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले पटना में ट्रैफिक के इस नियम का पालन नहीं हुआ था। इस बारे में ट्रैफिक SP पूरन कुमार झा के द्वारा कहा गया है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसे हादसों से बचाना है जो मोबाइल पर बात करने के कारण होते हैं। बता दें कि चालान की राशि वाहन चालक को 3 महीने के अंदर जमा करनी होगी। 2.5 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें इस तजरीब सुनने को मामले मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला छपरा का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक कार में यूपी से बिहार लाई जा रही 25 कार्टन में 723 बोतल अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया गया है। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान विश्वनाथ राम निवासी बेटा जिला पटना एवं रवि कुमार निवासी पटना के रूप में की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा अंग्रेजी शराब एवं कार को जब्त कर शराब तस्करों से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि शराब की खेप उत्तर प्रदेश के सलीमपुर से बिहार की राजधानी पटना के आशियाना लाई जा रही थी। बता दें कि इस बात की जानकारी सारण उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार के द्वारा दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों की किताबों में राष्ट्रगान में गलती। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1ली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के पुस्तकों में राष्ट्रगान में तो वहीं 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक किसने में वीर कुंवर सिंह की जीवनी को गलत उल्लेख किया गया है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा। बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान में जहां पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का उल्लेख है, तो वहीं किताब में सिंध की जगह सिंधु नदी के नाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यमुना को यमुन लिखा गया है, तब शुभ नाम जागे के तब की जगह तब लिखा गया है। वहीं 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि वीर कुंवर सिंह ने गोली लगने के बाद अपने बाएं हाथ को तलवार से काट लिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने दाएं हाथ को काटा था। इस बारे में भागलपुर के DPO नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि इस गलती को लेकर वह विभाग को पत्र लिखेंगे और साथ में बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड को भी इसकी जानकारी देंगे। बिहार के कई जिलों में फिर लंपी वायरस ने दी दस्तक।
बिहार में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मॉनसून के इस बारिश के बाद मच्छरों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि लंपी वायरस बीमारी से ग्रसित पशुओं की संख्या में इजाफा हो गया है। बता दें कि राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पशु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बारे में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को जब शिकायतें सुनने को मिली तो उनके द्वारा 108 संक्रमित पशुओं का सैंपल जांच के लिए भोपाल और कोलकाता भेज दिया गया है। वहीं विभाग का कहना है कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लंपी स्किन सदृश बीमारी की पुष्टि की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में यह वायरस फैल रहा है उनमें नालंदा, सहरसा, मधुबनी, बेगूसराय, छपरा, सिवान, सुपौल, गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, सीतामढ़ी आदि शामिल है। इस बीमारी को लेकर विभाग की ओर से निःशुल्क दवा वितरण के साथ ही पशुपालकों को सलाह भी दी जा रही है। बता दें कि इस बीमारी से बचाव के लिए जनवरी 2023 से टीकाकरण जारी है और अब तक विभाग के अनुसार 1,36,00,000 पशुओं को टीका दिया जा चुका है, जिससे कि इस बीमारी में उन पशुओं के गंभीर होने का खतरा नहीं है। सड़क पर कचरा फेंकने पर होगा मुकदमा। पटना नगर निगम की ओर से सभी अंचलों को एक विशेष लाल सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें शहर में गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रु का नाम और पता अंकित किया जाएगा। बता दें कि अब ऐसे लोगों से न केवल जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उनके नाम लाल सूची में भी अंकित किए जाएंगे और साथ ही उन पर CRPC की धारा 133 के अंतर्गत मुकदमा भी किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में निगम की ओर से सभी अंचलों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं इसकी समीक्षा भी नगर आयुक्त के द्वारा समय समय पर की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रमुख सड़कों के साथ गलियों में भी सड़क शत्रुओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 20 का टारगेट अंचलों को दिया गया है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और अंचल के अन्य पदाधिकारी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस बार 12% से अधिक आयकर रिटर्न गए भरे। बिहार में इस बार 24,30,000 से अधिक आयकर रिटर्न दायर किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% अधिक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022 के लिए देश में रिकॉर्ड संख्या 7,78,00,000 ITR दाखिल किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में करीब 16.5% अधिक हैं। वहीं इस बार देश में 53,67,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ITR दायर किया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि ITR दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ने से इस बार टैक्स संग्रह में भी इजाफा हो सकता है। मालूम हो कि बिहार में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर संग्रह का लक्ष्य 17,500 करोड़ रुपए रखा गया था। वहीं पिछली बार यह लक्ष्य 1,600 करोड़ रुपए का रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में आयकर दाताओं की संख्या लगभग 15,00,000 के आसपास है। बिहार में मीटर का लोड बढ़ाने के लिए एक हफ्ते में 700 लोगों ने दिया आवेदन। डिस्कॉम कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मैसेज के माध्यम से लोड बढ़ाने हेतु जागरूक करने वाला यह काम रंग ला रहा है। दरअसल इस क्रम में बिहार में मीटर का लोड बढ़ाने के लिए एक हफ्ते में करीब 700 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। बता दें कि मैसेज मिलने के बाद उपभोक्ताओं ने लोड बढ़ाने को आवेदन बिजली कार्यालय में जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जल्द ही अधिकारी गण के द्वारा सभी आवेदन का सत्यापन कर लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मालूम हो कि BSP HCL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संजीव हंस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अगले 6 माह तक लोड से ज्यादा भार होने पर भी उपभोक्ताओं से फाइन नहीं लिया जाएगा। भारतीय कप्तान को लेकर सूर्य कुमार यादव ने बोली बड़ी बात। बीते दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जीत हासिल करने के बाद सूर्य कुमार यादव के द्वारा कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को लेकर बड़ी बात कही गई। जब उनसे पूछा गया कि 2 मैच हारने के बाद उनके दिमाग में 3 मैच हारने का ख्याल चल रहा था, इस पर सूर्य कुमार यादव के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि यह मेरे दिमाग में चल रहा था कि भारत ने कभी भी लगातार 3 T20 मैच नहीं हारे हैं, लेकिन इस समय हमने टीम मीटिंग में बात की। हमारे कप्तान ने कहा कि किसी को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा करने में सक्षम था। तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप के बारे में उन्होंने कहा कि हमने लंबा समय तक एक दूसरे के साथ खेला है, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तिलक की पारी ने मुझे आत्मविश्वास दिया। आखिर मैच के बाद यह तिलक के लिए बेहतरीन पारी रही। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में सूर्य कुमार यादव के द्वारा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खूब पिटाई दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, सरनजीत मिश्रा, अमन कुमार, राजकिशोर महतो, हरीश्वर कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, विनय यादव, अमित कुमार, नंद कुमार सिंह, गोनर शर्मा, मुट्टू रंगीला, मोहम्मद मंजूर आलम, कन्हैया कुमार, नन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आपके क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।